तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था इकोनॉमी, ठीक है, तो 5 मिनट जरा कल का रिवीजन कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो कल हमने आपको बताया कि इकोनॉमी को समझने के लिए आपको ये 3 बेसिक पॉइंट समझना है। कौन कौन से? इकोनॉमिक गुड्स या सर्विसेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले इन 3 वर्ड से हम क्या करते हैं, इकोनॉमी की डेफिनेशन देखते हैं कि इकोनॉमी होता क्या है। तो इकोनॉमी किसे कहते हैं हम? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई इकोनॉमिक यूनिट किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करके किसी इकोनॉमिक गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन करती हो, जिससे इकोनॉमी में जो यूनिट कार्य कर रही है वो क्या कर सके, लाभ कमा सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। तो कोई भी इकोनॉमिक यूनिट आपके तभी तक इकोनॉमी में वर्क करेगी जब तक वो प्रॉफिट अर्न कर रही है। जिस दिन वो प्रॉफिट अर्न करना बंद कर देगी उस दिन वो क्या करेगी, गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन बंद करेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाएंगी और वो यूनिट इकोनॉमी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो आपके अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें करना क्या है, इन तीनों ही पिलर्स को बेहतर ढंग से समझना है। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे किस पिलर पे, इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज, आर्थिक वस्तु और आर्थिक सेवा, तो किसे कहते हैं आर्थिक वस्तु या आर्थिक सेवा, हर वह वस्तु या हर वह सेवा जिसके लिए कोई कीमत अदा की गई हो। तो इकोनॉमिक गुड्स या इकोनॉमिक सर्विस क्या होती है आपके, हर वह वस्तु या हर वह सेवा जिसे प्राप्त करने के लिए आपने कोई कीमत अदा की हो, ठीक है। इसके बाद में हमने आपको बताया कि किसी वस्तु या किसी सेवा की कीमत का निर्धारण करने वाले मेजर फैक्टर होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा था, तो किसी वस्तु या किसी सेवा की कीमत को निर्धारित करने वाला पहला फैक्टर होता है कौन सा, यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता। उपयोगिता का अर्थ वांट सेटिस्फाइंग पावर, हर वह चीज जो आपकी आवश्यकता को संतुष्ट कर दे। तो यूटिलिटी से आपके तात्पर्य क्या है कि कोई भी बायर हमेशा उसी वस्तु या उसी सेवा के लिए कीमत अदा करेगा जो उसके लिए उपयोगी होगी। जब तक बायर के लिए किसी वस्तु या किसी सेवा की कोई उपयोगिता नहीं है तब तक वो उसके लिए कोई कीमत अदा नहीं करेगा, ठीक। तो उपयोगिता आपके किसके एंड पे, ये हमेशा होती है बायर के एंड पे, ठीक है। दूसरा फैक्टर, स्कार्सिटी, यानी कि किसी वस्तु या सेवा की कमी, ठीक। अब कई बार आपके होता क्या है कि वस्तुएं इतनी उपयोगी तो नहीं होती, ठीक, लेकिन प्रकृति में वो कम मात्रा में पाई जाती हैं। और प्रकृति में अगर कोई आपके वस्तु कम मात्रा में पाई जाएगी तो स्वाभाविक रूप से उसकी जो सप्लाई होगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी, और इस वजह से वो वस्तु सामान्यतः क्या हो जाएगी, महंगी, ठीक। तो स्कैरिसिटी ये किसके एंड पे होती है, सेलर, ठीक,
अब यहां दोनों पॉइंट समझना, यूटिलिटी ये आगे चल के क्रिएट करेगी क्या डिमांड, और स्केरिसिटी ये आगे चल के क्रिएट करेगी क्या सप्लाई, और जब ये डिमांड और सप्लाई ये दोनों फैक्टर एक साथ एग्जिस्ट करेंगे ठीक, तब आपके बनेगा आपके तीसरा फैक्टर क्या मार्केट, और मार्केट के अंदर निर्धारित होती है किसी वस्तु या सेवा की वास्तविक कीमत। तो मार्केट, तो मार्केट हम कहते किसे, एक ऐसा प्लेस जहां डिमांड और सप्लाई दोनों क्या करते हो एक साथ एग्जिस्ट करते हो ठीक, या एक ऐसा प्लेस जहां बायर और सेलर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके गुड्स और करेंसी का एक्सचेंज करते हो, तो ऐसा प्लेस आपके क्या कहलाता है मार्केट, और मार्केट के अंदर ही आपके किसी वस्तु या सेवा की वास्तविक कीमतों का निर्धारण होता है ठीक है। अब हम इससे आगे ये देख रहे थे कि मार्केट के अंदर आपके डिमांड और सप्लाई ये दोनों किस तरह से वर्क करते हैं, तो डिमांड और सप्लाई के वर्क को समझने के लिए तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि सप्लाई किसे कहते हैं, और फिर हमने ये देखा कि डिमांड किसे कहते हैं। तो सप्लाई क्या था, सप्लाई, सप्लाई का आपके अर्थ होता है आउटपुट ऑफ इकोनॉमिक यूनिट, तो नेक्स्ट, तो मार्केट में हमें डिमांड और सप्लाई किस तरह से वर्क करते हैं इसे समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि किसे कहते हैं हम डिमांड और किसे कहते हैं हम सप्लाई ठीक। तो सप्लाई होता क्या है आपके, आउटपुट ऑफ ए इकोनॉमिक यूनिट, यानी कि किसी आर्थिक इकाई का जो आपके निर्गत होता है वही मार्केट के अंदर क्या बनती है सप्लाई ठीक है। इसके बाद में डिमांड, डिमांड को समझने के लिए पहले हमें दो बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, एक नीड और दूसरा डिजायर ठीक। तो नीड किसे कहते हैं, आवश्यकता, हर वह चीज जो जीवन निर्वाह के लिए जरूरी हो ठीक, यानी कि बिना उसके आप अपना जीवन निर्वाह ना कर सको, रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, जैसे रोटी कपड़ा मकान ठीक है। अब डिजायर यानी कि इच्छा, इच्छा किसे कहते हैं, मीडियम फॉर फुलफिल द नीड, यानी कि आवश्यकता को पूरा करने वाला एक माध्यम ठीक है। अब नीड से आपके तात्पर्य क्या है, जैसे कपड़े पहनना ये नीड है, और डिजायर से क्या है कि आप पैंट शर्ट पहनो जींस टी शर्ट पहनो ठीक, यानी कि इस नीड को आप पूरा कर किस तरह से रहे हो, तो ये नीड और डिजायर में डिफरेंस हुआ।
ठीक, इकोनॉमी के अंदर ना नीड का कोई इंपोर्टेंस होता है और ना ही डिजायर का कोई इंपोर्टेंस होता है। इकोनॉमी के अंदर हमेशा काउंट होती है क्या? डिमांड। तो अब डिमांड हम कहते किसे हैं? ठीक, जिस किसी भी नीड या जिस किसी भी डिजायर को पूरा करने की परचेजिंग पावर आपके हाथ में आ जाए तो उतनी मात्रा में नीड और डिजायर कन्वर्ट हो जाएगी आपकी डिमांड में। ठीक है, तो परचेजिंग पावर से तात्पर्य क्या है? पैसा, मनी। ठीक है, तो यहां सप्लाई का मतलब आपके क्या हुआ? सप्लाई का मतलब है आउटपुट ऑफ इकोनॉमिक यूनिट। ठीक, और डिमांड का मतलब आपके क्या हुआ? बायर के पास पैसा कितना है, यही आगे निर्धारित करेगा किसको? डिमांड को। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई होता क्या है ये देखा हमने। अब हम ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से वर्क करते हैं। तो समझना, मार्केट के अंदर अगर हमें यह देखना है कि डिमांड और सप्लाई किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक, तो हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि मार्केट के अंदर आपके बायर और सेलर इन दोनों का एटीट्यूड क्या होता है। ठीक, क्योंकि बायर जो खरीदते टाइम सोचेगा वही बनेगा डिमांड, और सेलर जो बेचते टाइम सोचेगा वही बनेगी सप्लाई। अगर हमें ये पता चल जाए कि बायर खरीदते टाइम क्या सोचता है और सेलर बेचते टाइम क्या सोचता है, तो हम मार्केट में डिमांड और सप्लाई किस तरह से वर्क करेगी, ठीक, इसको ज्यादा बेहतर ढंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें किसी बायर का व्यू कि कोई बायर वस्तु को खरीदते टाइम क्या सोचता है। तो क्या सोचता है बायर? बायर खरीदते टाइम आपके यही सोचता है कि कम से कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा सामान मिल जाए। ठीक, तो यहां बायर की सोच ये रहती है कि जब कीमत ज्यादा होती है तो बायर अपनी क्वांटिटी कम रखता है। कीमत आपके घटना शुरू हुई तो बायर अपनी क्वांटिटी बढ़ाना शुरू कर देता है। यानी कि कीमत 50 रुपए थी तो क्वांटिटी 1 kg, कीमत 40 हुई क्वांटिटी 2 kg, कीमत 30 हुई क्वांटिटी 3 kg, कीमत आपके 20 हुई क्वांटिटी 4 kg। ठीक, तो आपके ये जो इकोनॉमी के अंदर जो कर्व है, ये इस कर्व को हम कहते हैं बायर्स कर्व या डिमांड कर्व। तो ये जो बायर्स कर्व है यही मार्केट में आपके शो करता है बायर के एटीट्यूड को, और मार्केट के अंदर जो बायर का एटीट्यूड होगा यही आपके निर्धारित करेगा मार्केट के अंदर किसे? डिमांड को। तो बायर का एटीट्यूड क्या दिख रहा है यहां से? बायर का जो आपके एटीट्यूड होगा ये मार्केट के अंदर निर्धारित करेगा किसे? डिमांड को। और इसी को हम कहते हैं रूल ऑफ डिमांड, यानी मांग का नियम। और मांग का नियम आपके क्या कहता है? डिमांड इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू प्राइस। तो ये पहला रूल। ठीक है, अब ये तो हमने देखा कि खरीदते टाइम बायर की सोच क्या है। खरीदते टाइम जो बायर की सोच होगी वही डिमांड बन के आएगी। ठीक, और इसी को कहेंगे हम रूल ऑफ डिमांड। और रूल ऑफ डिमांड आपके क्या कहता है? कि डिमांड हमेशा कीमत के व्युत्क्रमानुपाती होगी, यानी कि डिमांड इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू प्राइस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब हम दूसरा ये देखते हैं सप्लाई को जानने के लिए कि बेचते टाइम सेलर क्या सोचता है। ठीक, तो कोई सेलर अगर किसी सामान को 50 रुपए किलो में बेच रहा था, ठीक, अब उसी सामान को अगर वह 10 रुपए किलो में बेच रहा है तो सेलर को होने वाला प्रॉफिट कम होगा।
और हर सेलर चाहता है कि उसको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो जब आपके कीमत कम होगी तो सेलर सामान को कम मात्रा में बेचेगा, ठीक, क्योंकि सेलर का प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक। अब कीमत जैसे जैसे बढ़ेंगी सेलर अपनी सप्लाई को बढ़ाता चलेगा, क्योंकि कीमतें बढ़ेंगी तो सेलर को होने वाला जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा, ठीक। तो इकोनॉमी के अंदर जो ये कर्व आप देख रहे हो, इस कर्व को हम कहते हैं सेलर्स कर्व या सप्लाई कर्व। तो अब ये जो आपके सेलर का जो एटीट्यूड है यही मार्केट के अंदर निर्धारित करता है सप्लाई को, और यही आपके अब बन के आएगा रूल ऑफ सप्लाई, यानी कि पूर्ति का नियम। और ये जो आपके पूर्ति का नियम है ये आपके क्या होगा, सप्लाई इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्राइस, ठीक। तो अब हम यहां देखते क्या है, देखते हमें ये है कि बायर्स कर्व ये एक रिवर्स कर्व बन रहा है और सेलर्स कर्व ये आपके एक डायरेक्ट कर्व बन रहा है। यानी इकोनॉमी के अंदर बायर का उद्देश्य होता है कि कम से कम कीमत पर सामान मिले और सेलर का उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा कीमत पर सामान बिके, ठीक है। अब यहां देखना कि यहां बायर और सेलर जो दोनों के इंटरेस्ट है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, और जब तक ये इंटरेस्ट मिलेंगे नहीं तब तक बायर खरीदेगा नहीं और सेलर बेचेगा नहीं। तो पूरी इकोनॉमी के अंदर आपके, ठीक, बायर और सेलर के इंटरेस्ट आपके किसी भी लाइन पे या कहीं भी नहीं मिलते, केवल एक पॉइंट को छोड़ के, ठीक। ये पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन आप देख रहे हो ये दोनों लाइनें केवल एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है पूरी इकोनॉमी के अंदर। तो जहां आपके ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इसी पॉइंट को हम कहते हैं किसी वस्तु की ऑप्टिमम प्राइस, अनुकूलतम कीमत। अब अनुकूलतम कीमत आपकी होती क्या है, ठीक। तो ऑप्टिमम प्राइस किसी गुड्स या किसी सर्विस की वह प्राइस जिस पर आपके बायर और सेलर दोनों के इंटरेस्ट मैच कर जाएं, या वह प्राइस जिस पर बायर ज्यादा से ज्यादा खरीदने तैयार हो और सेलर ज्यादा से ज्यादा बेचने तैयार हो, ठीक। और मार्केट हमेशा रन करती है किस प्राइस पर, ऑप्टिमम प्राइस पर, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था यहां तक। अब आज हम ये देखते हैं कि आपके मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ऑप्टिमम प्राइस, ठीक, कब बायर के फेवर में शिफ्ट करती है और कब सेलर के फेवर में शिफ्ट करती है, ठीक है। तो यहां से आगे चलते हैं आज। तो मार्केट के अंदर हमें देखना है ऑप्टिमम प्राइस यानी कि अनुकूलतम कीमत का निर्धारण, ठीक, कि किस स्थिति में कीमतें होती क्या हैं, ठीक है। अब कीमतों का अगर हम निर्धारण देखें तो मार्केट के होते हैं दो फैक्टर, एक डिमांड और दूसरा सप्लाई, ठीक। तो अब ये डिमांड और सप्लाई ये दोनों मिलकर कितनी कंडीशन मार्केट में क्रिएट कर सकते हैं, ये जितनी कंडीशन क्रिएट करेंगे, ठीक, उतनी बार प्रभावित होगी ऑप्टिमम प्राइस। तो डिमांड और सप्लाई मिलके पहली कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, दूसरी कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं डिमांड इज लेस देन सप्लाई, और तीसरी कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, और तो कोई कंडीशन हो नहीं सकती। अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों ही कंडीशन में होगा क्या, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन हम आते हैं डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। अब समझना जरा इसे, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई यानी कि मांग हो जाए ज्यादा और पूर्ति हो जाए कम, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में आपके 80 सीटें, ठीक, ये है सप्लाई, और पढ़ने वाले आ जाएं 800 जिनको इकोनॉमी पढ़ना है, तो 800 लोग तो यहाँ बैठ नहीं सकते। तो अब इस स्थिति में आपके बार्गेनिंग पावर बायर के हाथ में या सेलर के हाथ में, अब तो सेलर के हाथ में बार्गेनिंग पावर, क्योंकि सेलर को 800 में से 80 लोगों को चूज करना है,
और हर सेलर क्या चाहता है, उसका सामान ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर बिके। तो यहाँ सेलर कौन से 80 लोग चूज करेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत देने तैयार होंगे। ठीक, तो जब कभी भी मार्केट में डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई की सिचुएशन आ जाए, ठीक, तो इस स्थिति में आपके जो बार्गेनिंग पावर होती है ये शिफ्ट कर जाती है सेलर के पास, ठीक, और ये आपकी स्थिति कहलाती है सेलर्स मार्केट। तो सेलर्स मार्केट, विक्रेता बाजार, किस स्थिति को कहते हैं, जब मार्केट में डिमांड हो जाए ज्यादा और सप्लाई हो जाए कम। ठीक है, तो अब हर सेलर चाहता क्या है कि उसका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बिके। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर सेलर के पास बार्गेनिंग पावर होगी तो सेलर हमेशा प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाएगा। तो जब कभी भी मार्केट में डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई की स्थिति आएगी तो हमेशा जो आपके प्राइस होगी वो ज्यादा होगी। प्राइस ज्यादा होने का आपके रीजन क्या होगा यहां, क्यों, क्योंकि यहां बार्गेनिंग पावर सेलर के हाथ में आ गई। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ है। अब आते हैं इससे आगे। अब नेक्स्ट समझना कि अगर आपके ये कीमतें समय के साथ लगातार बढ़ती रहें, ठीक, तो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति या महंगाई। ठीक है, समय के साथ अगर यही कीमतें लगातार बढ़ती रहें तो आपकी ये सिचुएशन कहलाती है इन्फ्लेशन या मुद्रा स्फीति। ठीक, अब देखते हैं कि इस सिचुएशन में आपके मार्केट में होता क्या है। ठीक, अगर वस्तु या सेवाओं की कीमतें समय के साथ लगातार बढ़ जाएं तो यह स्थिति होती है इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति। ठीक है, अब इन्फ्लेशन की जब आपके स्थिति मार्केट में आ जाए, ठीक, तो यहां क्या होगा, वस्तु और सेवाएं महंगी हो जाएंगी। अगर ये वस्तु और सेवाएं, ठीक, एक निश्चित वैल्यू से ज्यादा अगर ऊपर निकल गई तो यहां क्या होगा कि आपके समाज में एक वर्ग ऐसा होगा जिसकी परचेजिंग पावर इतनी नहीं होगी कि वो उन वस्तु या सेवाओं को खरीद सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपके मान लिया मार्केट में महंगाई बढ़ना शुरू हुई और प्राइस कुछ इस प्रकार से हो गई कि आलू 200 रुपए किलो, प्याज 400 रुपए किलो, दाल 1200 रुपए किलो, आटा 800 रुपए किलो, चावल 900 रुपए किलो। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, समाज के अंदर इतना बड़ा वर्ग ऐसा होगा जिसके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो इन चीजों को खरीद सके। तो इसका मतलब उस वर्ग के सामने क्राइसिस ऑफ सर्वाइवल, जीवन निर्वाह का संकट खड़ा हो जाएगा। ठीक, और अगर किसी देश में अगर जनता के सामने आपके क्राइसिस ऑफ सर्वाइवल की स्थिति आ जाए, जीवन निर्वाह का संकट खड़ा हो जाए, तो अब मार्केट में इंटरफियर करेगा कौन, गवर्नमेंट, सरकार। तो जब कभी भी आपके ये सिचुएशन आई और इन्फ्लेशन एक लिमिट को क्रॉस की तो मार्केट के अंदर इंटरफियर कर जाएगी गवर्नमेंट। ठीक, तो इन्फ्लेशन आपके बहुत तेजी से बढ़ने पर यहां मार्केट में हमेशा किसका इंटरफियर लग जाएगा, गवर्नमेंट इंटरफियर। अब गवर्नमेंट ने अगर हस्तक्षेप कर ही दिया मार्केट में तो गवर्नमेंट हस्तक्षेप करके करना क्या चाहेगी, कीमतों को कम करना, क्योंकि कीमतें बढ़ी हुई हैं इसीलिए गवर्नमेंट ने आपके इंटरफियर किया है। ठीक, तो अब कीमतों को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, तो गवर्नमेंट सबसे पहले तो वो रीजन देखेगी जिन रीजन की वजह से ये कीमतें बढ़ी है। तो रीजन क्या दिखाई दे रहा है कि डिमांड है ज्यादा और सप्लाई है कम, इस वजह से ये कीमतें बढ़ी हैं। ठीक, तो गवर्नमेंट अब कीमतों को कम कैसे करेगी, इस इक्वेशन को उल्टेगी। ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, गवर्नमेंट क्या करेगी, जो डिमांड ज्यादा है उसे कम करने का प्रयास करेगी और जो सप्लाई कम है उसे बढ़ाने का प्रयास करेगी। ठीक, अब यही देखना, सप्लाई को कैसे बढ़ा सकती है गवर्नमेंट, पहले तो ये देखें। तो सप्लाई को कैसे, प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए। ठीक, लेकिन प्रोडक्शन इमीडिएट तो बढ़ा नहीं सकते, तो और क्या किया जाए, देश में जितने भी कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस है उनके ताले तोड़वा के देखा जाए किसमें तो सामान नहीं पड़ा, ये इमीडिएट हो सकता है। और क्या कर सकती है, अगर इनसे भी काम नहीं चल रहा तो विदेश से इंपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस डिक्लेयर कर सकती है किसी वस्तु किसी सेवा की कि इससे महंगा कोई भी सामान नहीं बिकेगा। ठीक, तो इन सारे कामों को करके गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सप्लाई को बढ़ा सकती है इस स्थिति को आपके कंट्रोल में लाने के लिए।
और दूसरा आपकी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिमांड को कम कर सकती है। अब डिमांड को कैसे कम करेगी, तो डिमांड डिपेंड करती है किस पर, परचेजिंग पावर पर। परचेजिंग पावर का अर्थ होता है पैसा, ठीक। इसका मतलब आपके अगर सरकार मार्केट में पैसे के फ्लो को कम करवा दे तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, तो लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक। लेकिन पैसे के फ्लो पे आपके गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, पैसे के फ्लो पे होता है फेडरल बैंक का कंट्रोल कि किसी देश की मार्केट में आपके पैसे का फ्लो कितना मैनेज करना है, ये देश में निर्धारित करती है वहां की फेडरल बैंक, और इंडिया में निर्धारित करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। तो यहां आरबीआई आपके क्या करेगी, ऐसी मॉनिटरी पॉलिसी बनाएगी, मौद्रिक नीति, जो आपके क्या करे, मार्केट में आपके लिक्विडिटी को कम कर दे या पैसे की मात्रा को कम कर दे। क्योंकि मार्केट में पैसे की मात्रा कम होगी तो लोगों के पास पैसा कम होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा तो उनकी परचेजिंग पावर कम होगी, और परचेजिंग पावर कम होगी तो डिमांड कम होगी। अब यहां याद रखना, इन्फ्लेशन आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक। हम तो केवल इन्फ्लेशन कंट्रोल देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर इन्फ्लेशन में एंटर करेगी तो क्या कंट्रोल लगाएगी। तो गवर्नमेंट का पहला कंट्रोल होगा सप्लाई को बढ़ाना, और दूसरा कंट्रोल होगा डिमांड को कम करना, ठीक। तो आपके इन्फ्लेशन कंट्रोल के दो आपके मैकेनिज्म होते हैं, एक फिस्कल कंट्रोल राजकोषीय नियंत्रण, और दूसरा मॉनिटरी कंट्रोल मौद्रिक नियंत्रण। पूरी इकोनॉमी के अंदर ये जो दो वर्ड है फिस्कल और मॉनिटरी, फिस्कल वर्ड जहां भी आए राजकोषीय, ठीक, ये नियंत्रण या ये एफर्ट हमेशा किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मॉनिटरी वर्ड कहीं भी आए पूरी इकोनॉमी में तो ये आपके कंट्रोल या एफर्ट किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट फिस्कल कंट्रोल कर रही है राजकोषीय नियंत्रण, तो इसका उद्देश्य सप्लाई को बढ़ाना, सप्लाई को बढ़ाने के कौन से प्रयास हैं, और ये करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर मॉनिटरी कंट्रोल आपके कर रही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, तो ये कंट्रोल होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और इसमें क्या किया जाएगा, लिक्विडिटी को कम करने का प्रयास, जिससे कि लोगों की परचेजिंग पावर डाउन हो जाए, ठीक। तो यहां याद रखना, तो ये होगा इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद में आगे, तो मार्केट में अगर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई की स्थिति हो तो यहां बार्गेनिंग पावर किसके पास गई, सेलर के पास, इसीलिए मार्केट कहलाएगी सेलर्स मार्केट। सेलर्स मार्केट में कीमतें हमेशा बढ़ती हैं, ठीक, कीमतों का बढ़ना कहलाता है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन जब लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तो यहां गवर्नमेंट इंटरफियर स्टार्ट, ठीक है। अब यहां इस स्थिति में कुछ एजम्पशंस लेके चलना, कुछ हाइपोथीसिस, तो इस सिचुएशन में हम देखते क्या है, डिमांड है ज्यादा और सप्लाई है कम, ठीक है। तो यहां एक एजम्पशन लेना कि सप्लाई इतनी कम है कि बेचने वाला केवल एक पर्सन हो, यानी कि केवल सेलर एक हो, तो ऐसी मार्केट क्या कहलाती है आपकी, मोनोपोली मार्केट, ठीक। बेचने वाले दो हो तो ये मार्केट ड्यूपोली मार्केट, बेचने वाले लिमिटेड हो, लिमिटेड से मतलब 4, 6, 8, 10, 10, 12, तो ये मार्केट ओलिगोपॉली मार्केट, ठीक है। अब यहां इन तीनों सिचुएशन में देखना, अगर मार्केट के अंदर मोनोपॉली की सिचुएशन आ जाए, ठीक, तो यहां कीमतों का निर्धारण कौन करेगा, सेलर करेगा पूरी तरह से। तो अब यहां सेलर जो चाहे वो कीमत रखेगा, क्यों रखेगा, क्योंकि बेचने वाला कोई दूसरा है ही नहीं, तो इस स्थिति में नुकसान किसका होगा, बायर का। और किसी भी देश के अंदर गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि उस देश के बायर्स का नुकसान हो, ठीक।
तो गवर्नमेंट अगर कभी नहीं चाहेगी कि किसी देश में बायर का नुकसान हो, तो गवर्नमेंट कभी देश में मोनोपोली मार्केट की स्थिति आने ही नहीं देगी, ठीक। और ऐसा ही प्रयास आपके भारत में किया जाएगा 1969, और यहाँ एक एक्ट लेके आया जाएगा MRTP एक्ट 1969, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्शंस एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, और इस एक्ट के द्वारा आपके भारत में क्या किया जाएगा, मोनोपोली को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक। यानी कि किसी भी एक फील्ड में कोई एक प्रोड्यूसर नहीं होगा, एक से ज्यादा प्रोड्यूसर हो, ठीक। तो ये किस एक्ट के द्वारा, आपके MRTP एक्ट, मोनोपोलीज अब आते हैं इससे आगे। तो भारत सरकार आपके MRTP एक्ट के द्वारा मोनोपोली तो समाप्त कर देगी, ठीक, लेकिन आपके अगर ड्यूपोली की सिचुएशन आई तो बेचने वाले दो लोग, ओलिगोपोली की सिचुएशन आई तो बेचने वाले 5-6 या 8-10 लोग। तो यहां इस स्थिति में ऐसा भी तो हो सकता है कि ड्यूपोली की स्थिति में जो दोनों सेलर हैं वो बैठ के एक एग्रीमेंट कर लें कि हम इससे कम बेचेंगे ही नहीं, पब्लिक खरीदेगी कहां से, या तो आपसे या हमसे। ओलिगोपोली की सिचुएशन में भी तो ऐसा हो सकता है कि जब 6-7 ही बेचने वाले हैं तो ये लोग आपस में बैठ के क्या करें, कार्टेल बना लें एक, और उस कार्टेल की कीमतों को डिसाइड कर लें, और उससे कम कीमतों पे ये बेचने तैयार हो ही ना, तो इस स्थिति में आपके मार्केट क्या करेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके ओपेक कंट्रीज, ओपेक कंट्रीज कौन सी कंट्रीज हैं जो पूरे वर्ल्ड में आपके क्रूड या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं। तो अब ओपेक कंट्रीज गिन चुन के उतने ही देश हैं आपके लिमिटेड, ठीक। तो क्रूड का उत्पादन चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो चाहे ना हो, जो कीमत इसने निर्धारित कर दी उसी कीमत पर हर देश आपके क्रूड को बेचेगा, तो ये क्या हो गया, कार्टेल, ठीक। तो किसी भी देश की आपके जो गवर्नमेंट होगी उसका पूरा प्रयास ये होगा कि ये कंपनियां कार्टेल ना बना दें, क्योंकि अगर इन कंपनियों ने कार्टेल बना दिया, ठीक, तो कहीं ना कहीं बायर का लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए अब आपके ड्यूपोली और ओलिगोपोली की सिचुएशन को रोकने के लिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट लेके आएगी, आपके कंपटीशन एक्ट 2002, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। और इस प्रतिस्पर्धा अधिनियम या कंपटीशन एक्ट के द्वारा आपके ड्यूपोली और ओलिगोपोली की सिचुएशन को आपके समाप्त करके एक फेयर कंपटीशन को लाने का क्या किया जाएगा प्रयास, जिससे कि आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो सके, ठीक, यानी कि बायर्स का प्रोटेक्शन हो सके। अब यहां देखना, एक तरीके से हम यहां देख क्या रहे हैं कि गवर्नमेंट मोनोपोली, ड्यूपोली और ओलिगोपोली, ठीक, इनको हर स्थिति में तोड़ने का क्या करेगी, प्रयास करेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अब अगर हम दूसरे तरीके से अगर यहां देखें तो सिद्धांत में इनको तोड़ भले ही दिया गया हो, लेकिन व्यवहार में भी कई स्थितियां ऐसी दिखाई पड़ती हैं जहां आज भी आपके मोनोपोली, ड्यूपोली और ओलिगोपोली एग्जिस्ट करती है, ठीक। जैसे कि आपके मोनोपोली का एग्जाम्पल इंडिया में इंडियन रेलवे, ठीक, अगर ट्रेन से चलना है तो भारतीय रेलवे के अलावा कोई विकल्प आपके पास नहीं है, ये मोनोपोली का एग्जाम्पल, ठीक है। ड्यूपोली का एग्जाम्पल, ड्यूपोली का आपके एग्जाम्पल, आप सॉफ्ट ड्रिंक में पेप्सी और कोक, भारत के अंदर जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं या तो ये पेप्सी को प्रोडक्ट या कोको कोला प्रोडक्ट, तीसरी कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी भारत में नहीं है, कहीं ना कहीं ड्यूपोली है, ठीक। ओलिगोपोली का आपके एग्जाम्पल, मोबाइल कंपनी ले लो, हर सर्किल में केवल लाइसेंस 4 या 5 कंपनियों के पास होता है, किसी भी सर्किल में चले जाओ आप, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ओलिगोपोली, ठीक। तो यही मोबाइल कंपनियों के फिर आपके क्या होता है कि कहने को तो ये एक पैसे में कॉल देते हैं, लेकिन जब दिवाली दशहरा होता है तो मैसेज भी 2 रुपए का है, तो ये क्या है, कीमतें बढ़ेंगी तो सबकी एक साथ बढ़ेंगी और घटेंगी तो सबकी एक साथ घटेंगी, तो प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं ओलिगोपोली की भी सिचुएशन दिखाई देती है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा है यहां तक। अब एक कंडीशन यहां और याद रखना, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, अब ये किस मार्केट को कहते हैं,
क्या होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट मोनोपोली मार्केट तो नहीं होता, तो ये फिर कहते कैसे हैं? तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट कौन सी मार्केट होती है समझना, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में आपके लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर या लार्ज नंबर ऑफ सेलर, यानी कि बहुत सारे उत्पादक या बहुत सारे विक्रेता होंगे, तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये मोनोपोली नहीं है, ठीक, ना ही मोनोपोली है, ना ही ड्यूपोली है और ना ही ओलिगोपोली है, ये सबसे अलग है, ठीक है। तो फिर इसमें खास बात क्या होगा, यहां खास बात यह होगा कि इसमें प्रोड्यूसर तो बहुत सारे होंगे, लेकिन इन सारे प्रोड्यूसर के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ठीक, उस प्रोडक्ट के अंदर पहला डिफरेंस होगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब हर प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट दूसरे प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग होगा, और हर प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट की कीमत दूसरे प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट की कीमत से बिल्कुल अलग होगी, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, अब टूथपेस्ट देखें तो बाजार में 50 कंपनियां हैं आपकी, ठीक, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, सीख सेवा का, वज्रदंती, दंत क्रांति, तमाम प्रकार की आपके वो हैं। अब यहाँ अगर आप देखो तो हर टूथपेस्ट का जो कंटेंट है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जो कंटेंट आपके कॉलगेट यूज करेगा वो पेप्सोडेंट नहीं करेगा, जो पेप्सोडेंट यूज करेगा वो क्लोजअप नहीं करेगा, जो क्लोजअप यूज करेगा वो सेवा का नहीं करेगा, ठीक, जो सेवा का यूज करेगा वो आपके दंत क्रांति यूज नहीं करेगा, और जो दंत क्रांति यूज करेगा वो तो वैसे भी कोई नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि बाबा रामदेव स्पेशल है ये तो, ठीक है। तो अब आपके सिस्टम हुआ क्या है यहाँ कि हर प्रोडक्ट का कंटेंट बिल्कुल अलग है और हर प्रोडक्ट की कीमत ये भी बिल्कुल अलग है, तो इस प्रकार की मार्केट आपके कहलाती है क्या, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ठीक। अब यहाँ होता क्या है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर जो ये कंटेंट आप देख रहे हो यही कंटेंट आपके आधार होता है अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कराने का, ठीक, क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट आपके बन रहा है तो हर प्रोडक्ट पर किसी कंपनी ने पेटेंट लिया होगा, ठीक। तो कॉलगेट आपके कौन सा कंटेंट यूज कर रहा है, इसका पेटेंट लिया होगा आपके कॉलगेट ने, ठीक, और उस पेटेंट को लेने के कारण ही कॉलगेट के कंटेंट को दूसरी कंपनी यूज नहीं कर सकती, ठीक। जो दंतक्रांति आपके कंटेंट यूज कर रहा है इस पर आपके पेटेंट लिया होगा बाबा रामदेव ने, ठीक, तो जो कंटेंट ये यूज कर रहे हैं उस कंटेंट को दूसरी कंपनी यूज नहीं कर सकती, ठीक। तो ये आपके जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो आप देख रहे हो यही आधार बनता है मार्केट में पेटेंट लेने का, क्योंकि अपने प्रोडक्ट पे आपके हर कंपनी क्या लेती है, पेटेंट, ठीक, जिससे कि उसकी कोई कॉपी ना कर सके, ठीक है। पेटेंट कौन देता है, गवर्नमेंट देती है पेटेंट, इसी को बोलते हैं कॉपीराइट। अगर पेटेंट का आपने कॉपी किया तो यही कंसेप्ट क्या कहलाता है, कॉपीराइट। लेकिन भारतीय कंपनियां आपकी बहुत माहिर होती हैं इस कॉपीराइट कानून को तोड़ने में, ठीक, कैसे तोड़ती हैं कानून देखना। ये मान लिया कोई आपके कंपनी है यूएसए की, ठीक, कोई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हमने ली, फार्मास्यूटिकल
यूएसए की कंपनी, ठीक, यूएसए की कंपनी मान लिया कि कोई मेडिसिन बना रही है आपके कैंसर की, ठीक, और इस मेडिसिन की आपकी जो कीमत है वो है 2000 रुपये पर टैबलेट, इतनी महंगी आती है आपकी ये कैंसर वगैरह की मेडिसिन, ठीक है। अब यहां देखना है यूएसए की कंपनी जो कंटेंट यूज कर रही है, ए 95%, बी 3%, सी 2%, डी 2%। ये मान लिया कोई एक्स वाई जेड आपके क्या है, कोई कंटेंट है जो आपके कोई यूएसए की कंपनी यूज कर रही है, ठीक। अब इसने आपके पेटेंट लिया होगा इस कंटेंट पे। अब ये जो कंटेंट है, कोई भी प्रोडक्ट होगा उसके पैकेट पे उसका पूरा कंटेंट लिखा होता है कि इसने किस मात्रा में किस सामान को इस्तेमाल किया है, ठीक, और इस कंटेंट की आपकी कीमत है कितनी, 2000 रुपये पर टैबलेट, ठीक है। अब यहां देखना, अब इंडिया की कंपनी क्या करेंगी, अब इंडिया की जो आपकी कंपनी आएगी, ठीक, ये कट कॉपी पेस्ट करने में इतना माहिर होती है इंडिया की कंपनी कि ये कुछ इस प्रकार के कंटेंट का निर्माण करेंगी, चारों आपके कंटेंट वही उठाए, ठीक। अब यहां आपके एक ही मात्रा है 95% उठा के इन्होंने एक ही मात्रा कर दी 94.5%, ठीक। डी की मात्रा है आपके 0.5%, डी की मात्रा कर दी इन्होंने 0.7%, ठीक। सी की मात्रा है 2.5%, सी की मात्रा कर दी इन्होंने 2.3%। अब यहां आपके बी की मात्रा है 2%, ठीक, तो बी की मात्रा अब आपके कितनी बची यहां, समथिंग 3A हो गया, 4×7 2.5%, ठीक है। अब ये कंटेंट है आपके किसी यूएसए की कंपनी का और ये कंटेंट है किसी इंडिया की कंपनी का। अब इन कंटेंट में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो असर ये दवा करेगी ऐसा ही असर लगभग ये दवा करेगी, यही होगा, ठीक है। और यहां आपके इंडिया की कंपनी इस दवा की कीमत रखेगी और यूएसए की दवा की कीमत थी 2000 रुपए पर टैबलेट, ठीक। और इन्हीं दवाइयों को हम भारत के अंदर कहते हैं जेनेरिक मेडिसिंस। अब ये जेनेरिक मेडिसिंस बेसिकली ये वो दवाइयां हैं जो भारत के अंदर खुद का कंटेंट बना के निर्मित की गई हैं, ठीक। अब जेनेरिक मेडिसिंस की खास बात आपकी ये है कि ये इतनी सस्ती हैं ये दवाइयां कि अगर ये दवाइयां हर मेडिकल स्टोर पे आपके मिल जाएं तो भारत के अंदर आपके कम से कम दवाइयों की कमी की वजह से तो कोई डेथ ना हो, ठीक, ये सिस्टम है। लेकिन अब यहां समस्या ये है कि भारत के अंदर कोई डॉक्टर इन जेनेरिक मेडिसिंस को लिखता ही नहीं है। क्यों नहीं लिखता, क्योंकि हर डॉक्टर का कमीशन सेट होता है मेडिकल स्टोर पे, ठीक, और डॉक्टर पर्चे में जो महंगी से महंगी दवाई हो सकती है वो लिखेगा, ये सिचुएशन होती है, ठीक। यानी कि ये तो चलो सामान्य डॉक्टर की बात है, अगर अपोलो जैसे हॉस्पिटल में आप चले जाओ तो जो 10 रुपए का इंजेक्शन है उसको नहीं लिखा जाएगा, जो आपके 10,000 रुपए का इंजेक्शन होगा वो लिखा जाएगा, ठीक, क्यों, क्योंकि डॉक्टर के सबके कमीशन सेट है। और यही आपके रीजन है कि भारत में आपके मेडिकल ट्रायल के दौरान या जो आपके इलाज के दौरान डेथ होती हैं उनका रीजन ये है कि यहाँ दवाइयाँ इतनी एक्सपेंसिव बता दी जाती हैं जो कि इतनी है नहीं। अगर इन मेडिसिन को यूज किया जाए तो दवाइयाँ वास्तव में बहुत सस्ती हैं, ठीक। जो हम डिस्प्रिन या जो सेरेडोन या जो हम कॉम्बी फ्लेम ये जो लेते हैं, ठीक, इसका जेनेरिक मेडिसिन में 1 रुपये का पूरा स्ट्रिप आता है 10 गोलियों का, 1 रुपये कीमत होती है उसकी केवल, जो जेनेरिक आपके शॉप से मिलता है, जबकि मार्केट में वो 20 रुपये या 30 रुपये का पत्ता मिलता है। एक एंटीबायोटिक जो हम लेते हैं मार्केट में 6 रुपये की एक टेबलेट एवरेज होती है एंटीबायोटिक की, जबकि 6 रुपये का तो पूरा आपके 20 का स्ट्रिप आता है जेनेरिक मेडिसिन में। यानी कि मेडिसिन की कमी से तो कोई कभी मरे ही ना, ठीक। अब यहां होता क्या है, ये सिचुएशन इंडिया ने डेवलप की तो अब अमेरिका की कंपनियां क्या करेंगी, इनका विरोध करेंगी, इनके ऊपर आपके वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ऑब्जेक्शन लगाएंगी कि इन्होंने हमारे कंटेंट को कॉपी किया है। तो भारतीय कंपनियां कहेंगी कि कहां कॉपी किया है बताओ, आपका अगर एक भी कंटेंट आपका ऐसा लिया हो तो, और बात भी सही है कॉपी कहां किया है, ठीक, कर भी दिया और नहीं भी किया, ठीक। तो ये होता है आपके इंडिया की कट कॉपी पेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक। तो इंडिया आपके कंटेंट कॉपी करने में, ठीक, इंडिया के चाहे इंजीनियर्स हों इंडिया के चाहे साइंटिस्ट हों, ये इतना आगे हैं पूरे विश्व स्तर पर कि इन्हें केवल कोई शॉर्टकट मिल जाए कि इसका कंटेंट क्या है, फिर उसका तो वो कॉपीराइट तैयार करते हैं ये, ठीक। जैसे कि आपके
साइंस एंड टेक में हम आते हैं, इंडिया ने सबसे पहले तैयार किया अपना पीएसएलवी इंजन, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक, जब पीएसएलवी इन्होंने आपके विदेश से लेके तैयार किया तो स्थिति ये बना दी इन्होंने कि ये है आपके नासा और ये है आपके इसरो। ठीक, नासा से अगर आपके ठीक पीएसएलवी की कोई उड़ान जाए तो एक सैटेलाइट को छोड़ने का खर्च है 2 करोड़ रुपए, और इसरो से अगर यही उड़ान जाए तो इसका छोड़ने का खर्च है 2 लाख रुपए। तो इसरो के पास आपके लाइन लगी हुई है, इसरो की कमर्शियल यूनिट है एंट्रिक्स। ठीक, ये एंट्रिक्स खाली नहीं है, अगले 5 साल तक की उड़ान इसकी सेट है। हमारे पास इतने पीएसएलवी इंजन या पीएसएलवी रॉकेट प्रोपल वो नहीं है जिनसे हम इतनी उड़ानों को छोड़ सकें, इतने सैटेलाइट हैं और ये खाली बैठे हैं, इनसे कोई छोड़ने तैयार नहीं है। अमेरिका की कंपनियां खुद इसरो आ रही हैं अपना सैटेलाइट छोड़वाने। ठीक, तो ये पीएसएलवी में इन्होंने किया। ठीक है, ऐसे ही अब इंडियन इंजीनियर्स ने आपके कट कॉपी पेस्ट कर दिया दूसरी टेक्नोलॉजी जीएसएलवी। अब जीएसएलवी आपके क्या है, ये डिपेंड करती है एक इंजन जिसे हम कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन। अब ये क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं थी। ठीक, तो भारतीय इंजीनियर्स ने भारत सरकार से कहा, ठीक है, भारतीय इंजीनियर्स ने क्या कहा कि आप हमें 3 मौके दो, विदेश से कहीं से लाके हमें 3 इंजन दे दो, एक आध एक्सपेरिमेंट फेल होगा लेकिन 3 इंजन को हम देखने के बाद ऐसा ही इंजन तैयार कर देंगे। ठीक, इंडिया के अंदर आपके ये बताओ जितने भी मैकेनिक्स जो बैठे हुए हैं क्या कोई मैकेनिकल इंजीनियर है क्या? अगर गाड़ी खोल दी तो उसको वैसी की वैसी तैयार कर देगा वो। तो ये है इंडिया का टैलेंट। ठीक, तो यहाँ आपके जब ये क्रायोजेनिक इंजन हमने रसिया से 3 लिए, केवल 3 मिले थे, इसके बाद में 4th मिलना भी नहीं था। ठीक, क्योंकि आपके एक MICR ट्रीटी के तहत रसिया आपके दे ही नहीं सकता था इसको। ठीक है, तो यहाँ आपके क्रायोजेनिक इंजन 3 मिले, पहला खोला फेल हो गया, दूसरा खोला ये भी फेल हो गया, और तीसरा जब इन्होंने इंजन खोला बना दिया इंडिया इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन, और इस पर आपकी एक लॉन्च भी कर दिया GSLV Mark 3। ये भारत की पहली क्रायोजेनिक उड़ान थी आपकी और सक्सेस भी हो गई। ठीक, अब स्थिति आपकी ये आ गई कि अब नासा वाले कहेंगे खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि इंडिया इसमें भी आपके आगे बढ़ गए। ठीक, तो यहाँ सिचुएशन ये है कट कॉपी पेस्ट की इंडिया के अंदर, ये कि कॉपी भी कर लेंगे और पता भी नहीं चलने देंगे कब किया, कंटेंट को 0.5% चेंज करके। ठीक है, अब आते हैं इससे आगे, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट, अब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई के बाद में नेक्स्ट सिचुएशन आपकी आती है डिमांड इज लेस देन सप्लाई। ठीक है, अब डिमांड इज लेस देन सप्लाई, अब इस सिचुएशन में आपके क्या है, डिमांड है कम और सप्लाई है ज्यादा, तो अब इस सिचुएशन में बार्गेनिंग पावर किसके हाथ में आ गई, अब बार्गेनिंग पावर आएगी बायर के हाथ में, और हर बायर चाहता क्या है, कम से कम कीमत पर सामान मिले। ठीक, तो डिमांड इज लेस देन सप्लाई, ये सिचुएशन आपकी कहलाती है बायर्स मार्केट।
तो डिमांड इज लेस देन सप्लाई, तो डिमांड इज लेस देन सप्लाई आपकी कौन सी सिचुएशन है? वह सिचुएशन आपके जहां बार्गेनिंग पावर शिफ्ट कर गई किसके हाथ में? बायर के हाथ में, ठीक। और ये कंडीशन आपके क्या कहलाएगी? बायर्स मार्केट, ठीक है। और हर बायर आपके चाहता क्या है? कम से कम कीमत पर सामान मिल जाए, ठीक। तो बायर्स मार्केट में हमेशा जो प्राइस आपकी होंगी ये क्या होंगी? कम होना शुरू होंगी, ठीक है। और अगर यही प्राइस समय के साथ घटती जाए तो ये सिचुएशन डिफ्लेशन, अवस्फीति, इन्फ्लेशन की जस्ट अपोजिट, ठीक है। अब अगर किसी मार्केट में डिफ्लेशन ये दो तिमाही से ज्यादा सस्टेन हो जाए, ठीक, तो ये स्थिति आपके क्या कहलाएगी? रिसेशन, मंदी। तो मंदी हम कहते किसे हैं? जब अवस्फीति आपके दो तिमाही से ज्यादा कंटिन्यू हो जाए तो ये सिचुएशन आपकी क्या कहलाती है? रिसेशन यानी कि मंदी, ठीक। और जब भी किसी मार्केट में आपके मंदी यानी कि रिसेशन की स्थिति आने वाली होगी तो यहां अब लगेगा एक बार क्या? गवर्नमेंट इंटरफियर, ठीक। अब ये गवर्नमेंट इंटरफियर क्या होगा और क्यों लगेगा अब देखते हैं, ठीक। तो समझना जरा, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, ये सिचुएशन आपकी मार्केट में आ जाए तो क्या होगा, ठीक। अब एक स्टोरी सुनाते हैं आपको, उससे देखना कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो डिमांड इज लेस देन सप्लाई, मान लो फॉर एग्जाम्पल भारत सरकार 4-5 साल तक कोई वैकेंसी ही ना निकाले, ठीक। तो अगर 4-5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं निकली तो क्या आप लोग कोचिंग करोगे? क्या नहीं करोगे, ठीक। केवल यहां से शुरू करते हैं। अब आप लोग कोचिंग करोगे नहीं, ठीक है। अब आप लोग कोचिंग नहीं करोगे तो केवल एक एग्जाम्पल देते हैं, ये जो मार्कर है फिर इसका उपयोग होगा क्या? कोचिंग की वजह से ही तो हो रहा है, ठीक है। यानी कि इस मार्कर का आपके उपयोग नहीं होगा। तो अब देखना, अब यहां अगर आपके केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया कि 4-5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं निकली तो देखते ही देखते आपके मुखर्जी नगर की सारी कोचिंगें बंद, ये सिचुएशन होगी, ठीक है। अब यहां कोचिंग बंद होगी तो किसी पर इफेक्ट पड़े ना पड़े मार्कर जरूर बंद हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो बहुत कुछ बंद हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो, ठीक। तो यहां अगर ये मार्कर आपके इसकी डिमांड खत्म हो गई, ठीक, तो अब आगे क्या होगा ये समझना। मार्कर की जो फैक्ट्री आपके होगी, ठीक, ये फैक्ट्री वाला क्या करेगा कि मार्केट में जब इसकी डिमांड कम होगी, ठीक, तो मान लिया कि ये जो आपके मार्कर है ये 10 रुपए में आपके बन रहा था और फैक्ट्री का मालिक इसे 13 रुपीज में बेच रहा था, ठीक। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ये सेलिंग प्राइस। अगर इसकी आपके डिमांड कम हुई तो फैक्ट्री का मालिक क्या कहेगा? कोई बात नहीं, 13 में नहीं, शायद 12 में बेच के देख लें बिक जाए, तो यही करेगा ना सबसे पहले। ऐसा तो है नहीं कि सीधा फैक्ट्री बंद कर देगा, ठीक। अगर ये 12 में ही नहीं बिक रहा है तो फैक्ट्री का मालिक एक बार और कोशिश करेगा, शायद 11 में बिक जाए, कम प्रॉफिट कमा लेंगे कुछ दिन, ठीक। अगर 11 में भी आपके ये नहीं बिका तो अब फैक्ट्री का मालिक कोशिश करेगा शायद ये 10 में ही बिक जाए, कुछ दिन नो प्रॉफिट नो लॉस पे वर्क कर लिया जाएगा, ठीक। लेकिन मार्कर तो बिकेगा ही क्यों? बिकेगा तो तब जब कोचिंग चल रही हो, वो है नहीं, ठीक है। तो यहां आपके अगर ये 10 में भी अब ये मार्कर नहीं बिका तो इससे नीचे अब फैक्ट्री का मालिक इसको बेच नहीं सकता, क्योंकि ये सिचुएशन आ गई, ठीक। और इससे नीचे अगर मार्कर की प्राइस गई तो इस मार्कर की फैक्ट्री बंद, ठीक है। अब मार्कर की फैक्ट्री अब बंद तो अब इससे होगा क्या ये समझना। मार्कर की फैक्ट्री अगर आपके ये बंद हुई, ठीक है, तो मार्कर की फैक्ट्री में जितने भी लोग कार्य कर रहे होंगे ये सब क्या होंगे? बेरोजगार। बेरोजगार होने के मतलब इनके पास जो आपके पैसा होगा वो कम हो जाएगा, तो इसका मतलब इन सब लोगों की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, ठीक। और सिचुएशन तो पहले से ही वही लगी हुई है, मार्केट के अंदर आपके डिमांड इज लेस देन सप्लाई की सिचुएशन है। और किसी भी मार्केट के अंदर डिमांड डिपेंड करती है परचेजिंग पावर के ऊपर, और अगर मार्केट में ये सिचुएशन आई है तो लोगों के पास पैसा पहले ही कम है। यानी कि अगर किसी मार्केट में डिमांड कम है तो इसका मतलब वहां पैसा कम है, और इसका सीधा सीधा सा अर्थ ये कि उस मार्केट के अंदर आपके, ठीक, या तो गरीबों की संख्या बढ़ रही है या बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। अगर किसी देश में गरीबी और बेरोजगारी ज्यादा हो तभी ये सिचुएशन आ सकती है, और ऊपर से ये मार्कर की फैक्ट्री और बंद हो गई, इसने और बेरोजगार बढ़ा दिए, तो ये डिमांड और कम, ठीक। कम तो पहले से ही थी, कुछ और लोग बेरोजगार हुए, अब यहां अकेले ये मार्कर की फैक्ट्री बंद नहीं होगी, ठीक। अगर ये मार्कर बन रहा है तो इसमें प्लास्टिक लगी हुई है, ये भी तो किसी फैक्ट्री से आ रहा होगा, तो मार्कर ही नहीं बन रहा तो अब इस प्लास्टिक की कोई जरूरत, तो इस प्लास्टिक की फैक्ट्री भी बंद। प्लास्टिक की फैक्ट्री बंद तो वहां के मजदूर बाहर, वो भी बेरोजगार हुए,
डिमांड और कम, ठीक। मार्कर के अंदर इंक भी डल रही है, अब मार्कर ही नहीं बन रहा तो इंक की भी आपके डिमांड खत्म, तो इंक बनाने वाली फैक्ट्री ये भी बंद, इंक बनाने वाली फैक्ट्री बंद तो उस फैक्ट्री में जो मजदूर या जो आपके एम्प्लॉई लगे हैं वो भी बेरोजगार, डिमांड और कम, ठीक। जब ये सिचुएशन आपके आ गई, ठीक, तो अब यहां मार्कर आपके बन रहा होगा तो मार्कर का रॉ मटेरियल ढोने के लिए और इस मार्कर को बाजार तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट चल रहा होगा। जब मार्कर का उत्पादन ही नहीं हो रहा तो मार्कर के काम में लगा ट्रांसपोर्टेशन बंद, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई लेबर ये भी बेरोजगार, ठीक। तो इसका मतलब और डिमांड कम, और अगर ट्रांसपोर्टेशन बंद हुआ तो पेट्रोल पंप बंद, उनसे जुड़ी हुई लेबर वो भी बार, ठीक। और पेट्रोल पंप बंद तो अब रिफाइनरी बंद, और रिफाइनरी बंद तो एक एक रिफाइनरी में एक साथ आपके 5-5 लाख 2-2 लाख एम्प्लॉई वर्क करते हैं, तो इतनी बड़ी मात्रा में आपके देश के अंदर क्या फैल जाएगी, बेरोजगारी, ठीक है। अब ये सिचुएशन अगर मार्केट में आपकी आने वाली होगी, ठीक, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपके एक एक करके सारी यूनिट आपके बंद होती जा रही है डिमांड इज लेस देन सप्लाई वाली सिचुएशन में, और यही स्थिति आपके कहलाती है क्या, रिसेशन, जब ये सिचुएशन आ जाए। तो क्या गवर्नमेंट कभी रिसेशन आने देगी, क्योंकि ये स्थिति तो इकोनॉमी को बिल्कुल गड्ढे में घुसा देगी, तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि ये सिचुएशन आए ही ना। तो गवर्नमेंट अब आपके यहां लगा देगी रिसेशन आने से पहले ही इंटरफियर, ठीक, यानी कि गवर्नमेंट मार्केट के अंदर पहले ही क्या कर देगी, हस्तक्षेप कर देगी। तो अब यहां देखना कि गवर्नमेंट ये देखेगी सबसे पहले कि रिसेशन आया क्यों, तो क्यों आया रिसेशन, डिमांड है कम और सप्लाई है ज्यादा, ठीक। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इस इक्वेशन को उलटने का प्रयास यही कर सकती है इस रिसेशन से बाहर निकलने के लिए, तो जो डिमांड कम है उसे बढ़ाने का प्रयास करेगी और सप्लाई ज्यादा है उसे, सप्लाई को कभी कम करने का प्रयास नहीं करेगी। सप्लाई को कम करने का मतलब किसी इकोनॉमिक यूनिट के प्रोडक्शन को कम करना, वो गवर्नमेंट कभी नहीं होने देगी, ठीक। यहां केवल एक ही प्रयास होगा और वो होगा डिमांड को बढ़ाने का, ठीक। और डिमांड को बढ़ाने का सीधा सीधा सा तरीका यह है कि लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ा दो, परचेजिंग पावर को बढ़ाने का सीधा सा तरीका यह है कि लोगों के पास तक पैसा पहुंचा दो, अगर लोगों के पास पैसा होगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, ठीक। तो अब ये तो गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान काम है, आसान काम क्यों है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी भारत सरकार के अंदर में, ठीक, और आरबीआई में आपके पैसा छापने की मशीन भी लगी है, बटन दबाना है 2-2 हज़ार के नोट आपके शाम तक इतने निकलेंगे कि पूरे भारत के पास पैसा हो जाएगा, ठीक। और इन 2-2 हज़ार के नोटों को आपके एयर इंडिया के विमान में लोड करो और जम्मू कश्मीर से आपके गिराना शुरू करो, एक घंटे में भारत में 2-2 हज़ार दिखेगा, हो गई परचेजिंग पावर सबकी फिक्स, आसान तो बहुत है ये तरीका, सरकार चाहे तो यही कर दे अगर रिसेशन आ जाए तो, या लोगों के पास पैसा ना हो तो, कर सकती है या नहीं कर सकती है, कर तो सकती है लेकिन करने के आपके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए करती नहीं है। अब दुष्परिणाम आपके क्या होंगे, सबसे पहले तो हम यही देखें, ये स्थिति आपकी आ गई कि मार्केट में सरकार को परचेजिंग पावर आपके बढ़ानी है, और इस परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये तय कर लिया कि हम क्या करेंगे कि लोगों के हाथ तक पैसा पहुंचवाएंगे, ठीक है। अब पैसा पहुंचवाएंगे तो यही स्टेप उठाया कि सरकार ने 2-2 हज़ार के नोट आपके छपवाए और एयर इंडिया के विमान में लोड किए और जम्मू कश्मीर से आपके बरसात करवाना शुरू की, ठीक। तो अब देखना अब आपके होगा क्या, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब मान लिया ऊपर से नोटों की आपकी बरसात हो रही है, एक रिक्शे वाला सुबह 8 बजे घर से काम से निकलाता कि कुछ काम करेंगे, ठीक, जिससे कि घर का खर्च चलेगा। अब वो जा ही रहा था, ऊपर से 2 हज़ार का नोट आके रिक्शे वाले के हाथ में गिरा, और जैसे ही रिक्शे वाले के हाथ में 2 हज़ार रुपये आया, ठीक, रिक्शा करेगा साइड और निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र जाएगा पहले, वो वहां से लेगा दवाई लगाएगा और बैठ जाएगा साइड में, ये हो गया काम, ऐसा ही होता है, ठीक। क्यों, क्योंकि रिक्शे वाले को तो छोड़ दो, आप भी अगर रास्ते पे जा रहे हो और 2 हज़ार का नोट डला मिल जाए तो पहले जो सबसे खास दोस्त होंगे, आ जाओ सब रूम पे पार्टी है, क्योंकि जब पैसा बिना मेहनत किए मिलता है, ठीक, तो उसका जो इफेक्टिव यूज होता है वो कोई नहीं करता, पहली चीज तो ये, ठीक। तो पहली चीज तो आपके वो इफेक्टिव यूज नहीं हुआ, और इफेक्टिव यूज नहीं हुआ तो इफेक्टिव डिमांड क्रिएट नहीं हुई, और इकोनॉमी के अंदर अगर इफेक्टिव डिमांड क्रिएट नहीं हुई तो उसका फायदा इकोनॉमी को नहीं मिलता, ठीक, पहली चीज। अब आते हैं इसके बाद में आगे, अब केवल यहीं तक नहीं हुआ, अब अगर यहां आपके सरकार ने इस डिफ्लेशन को या इस रिसेशन को दूर करने के लिए एक्सेस अमाउंट में आपके करेंसी छाप दी
और जब भी कभी देश में करेंसी की मात्रा देश की जीडीपी की मात्रा से ज्यादा बढ़ जाए तो ये सिचुएशन उल्टा रिवर्स मार देगी, यानी कि जो डिफ्लेशन आया था उस डिफ्लेशन से आपके 15 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, ओवर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी, जब कभी भी आपके जीडीपी के अमाउंट से ज्यादा करेंसी की मात्रा आ गई तो। तो इन दुष्परिणामों को देखते हुए सरकार कभी भी क्या एक्शन नहीं लेगी, ये एक्शन तो नहीं लेगी। ठीक, सरकार को परचेजिंग पावर बढ़ाना है, लेकिन परचेजिंग पावर बढ़ाने का तरीका चेंज करेगी। सरकार क्या करेगी, ऐसे आपके प्रोजेक्ट्स लेके आएगी जो प्रोजेक्ट्स ह्यूज मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। ठीक, ऐसे प्रोजेक्ट जो आपके बड़ी मात्रा में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देश में प्रमोट करें, ऐसे प्रोजेक्ट को बढ़ाने का प्रयास करेगी। क्यों? क्योंकि जब बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बड़ी मात्रा में इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपके आगे बढ़ेंगी, तो एक तरफ तो क्या होगा, जीडीपी भी बढ़ेगी, एक तरफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और देश आपके क्या होगा, इस ग्रफ्त से जो आपके डिफ्लेशन या रिसेशन की सिचुएशन है इससे धीरे धीरे उठना शुरू होगा। तो अब सरकार ऐसी स्थिति में क्या करती है, जब कभी भी आपके ऐसी कोई स्थिति आती है तो गवर्नमेंट आपके ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक साथ लॉन्च करती है। ठीक, मान लिया कि रिसेशन की स्थिति आपके आने वाली थी, इससे पहले आपके सरकार ने लॉन्च कर दिया कि एक यमुना एक्सप्रेस वे बनाएंगे। अब यमुना एक्सप्रेस वे यानी कि नोएडा से आगरा, यहीं तक यमुना एक्सप्रेस वे। अब आपके अगर इस सिचुएशन में यमुना एक्सप्रेस वे बनाने का डिसीजन सरकार ने ले लिया, किस सिचुएशन में, देश में रिसेशन है, तो अब इसका यमुना एक्सप्रेस वे का इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा देखना। अगर यमुना एक्सप्रेस वे बनाना है तो कहां बनेगा, ये हवा में या जमीन पे, जमीन पे ही बनेगा। तो सबसे पहला प्रभाव जमीनों का होगा, अधिग्रहण, क्योंकि जमीनें हैं किसानों के पास। ठीक, और जमीनों का जब अधिग्रहण होगा तो किसानों के पास पहुंचेगा पैसा। ठीक, और अब इससे किसानों पे प्रभाव क्या पड़ेगा कि जो किसान कल तक प्याज और नमक से रोटी खा रहे थे, उनके पास आ गया 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, ये इतना पैसा उनके पास आ गया। ठीक, इन्होंने जमीनें अपनी बेची और जमीनें बेच के इतना पैसा किसानों के पास आ गया। और अब ये किसान क्या करेंगे इस पैसे का, ये गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा में बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां बनवाएंगे। ठीक, कोठियों के आगे आपके फॉर्च्यूनर और कोठी के पीछे भैंस, यही सिचुएशन है ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव की। ठीक, यहाँ जितनी भी आलीशान कोठियां बनी है ये उन्हीं की बनी है जिन्होंने जमीनें बेच दी हैं। ठीक, तो जमीनें बेच के कोठियां बनवाना ये इफेक्टिव डिमांड तो नहीं हुई, इधर तो संसाधन आपने कम कर दिए उधर, और उधर वो संसाधन से जो पैसा आया वो आपने अपव्यय भी कर दिया। ठीक, और इससे होगा क्या कि पैसा आपके जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से इनकी अयासियों में खत्म भी हो गया, और यही रीजन होगा आपके, क्योंकि जब आपने करोड़ों रुपए कमा के एक आध दो साल में करोड़ों निकाल दिया हाथ से, तो अब आपकी जो लाइफ स्टाइल होगी वो आपके एक लिवाइज लाइफ स्टाइल हो जाएगी, और आप हर स्थिति में उसे मैनेज करना चाहोगे। ठीक, तो अब आप ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत बड़े इंजीनियर हो कि आपकी सैलरी 10 लाख रुपए महीने हो, वो तो है नहीं, तो अब आप क्या करोगे, अब रास्ता अपनाओगे क्राइम का, जिससे कि इजी पैसा आ जाए, और यही रीजन है ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव में पूरे NCR में सबसे ज्यादा क्राइम है। क्राइम दिल्ली के अंदर नहीं है, दिल्ली के अंदर जो क्राइम है वो इंटर स्टेट क्राइम है। इंटर स्टेट यानी कि नोएडा से आ गए लोग, गाजियाबाद से आ गए आपके, ठीक, गुड़गांव से आ गए, मेवात से आ गए, क्राइम करे और वापस भाग गए। ठीक, क्यों, क्योंकि अब इन लोगों को जो आदत पड़ गई है वो महंगी चीजों को अपनाने की आदत पड़ गई है। ठीक, तो ये प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हुई केवल इस इफेक्टिव डिमांड के क्रिएट ना होने के कारण। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब यहाँ केवल अगर ये यमुना एक्सप्रेस वे का डिसीजन आपके आया तो किसानों के पास पैसा गया, अब मान लिया किसानों ने इफेक्टिव यूज किया तो इकोनॉमी में इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, अब यमुना एक्सप्रेस वे अगर आपके बनना है तो इसमें गिट्टी भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, डंबर भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, तो ये सारी फैक्ट्रियां अगर बंद हुई होंगी तो ये सब चालू होंगी, इन फैक्ट्रियों के मजदूर इन फैक्ट्रियों में वापस जाएंगे। ठीक, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिला। इसके बाद में दूसरा आपके और क्या होगा, अब अगर आपके यमुना एक्सप्रेस वे बनाना है तो भारी मात्रा में लेबर भी चाहिए, लाखों की संख्या में लेबर लगेगी, उसको एम्प्लॉयमेंट मिला तो आपके उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। ठीक, और इसके बाद में आपके यहाँ सामान को लाने और ले जाने के लिए फिर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो जो ट्रांसपोर्टेशन बंद हुआ वो लगेगा इसमें, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो पेट्रोल पंप बंद हुए वो चालू होंगे, और जो रिफाइनरी बंद हुई वो चालू होगी। तो कुल मिला के एक गैस स्टेशन यानी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सरकार अगर लेके आई तो उसने पूरी सोई हुई इकोनॉमी को जगा दिया। ठीक, तो आपके जब कभी भी इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन आपके आ जाए, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, और सिचुएशन रिसेशन में कन्वर्ट होने वाली हो, उससे पहले गवर्नमेंट यहाँ इंटरफियर कर जाएगी, और इंटरफियर करके आपके प्रयास क्या करेगी, एक ऐसी स्थिति बनाने का प्रयास करेगी जिससे कि मार्केट में आपके डिमांड बढ़ जाए। ठीक,
तो ये होती है आपकी सिचुएशन डिमांड इज लेस देन सप्लाई में। अब यहां कुछ एजम्पशन और याद रखना, तो मार्केट में आपके डिमांड कम है, डिमांड कम का मतलब बायर कम है, ठीक, बायर कम होते होते इतने कम हो जाए कि बायर रह जाए केवल एक, तो यह स्थिति क्या कहलाएगी, मोनोस्पूनी मार्केट, बायर हो दो तो ड्यू स्पूनी मार्केट, और बायर हो लिमिटेड तो ओलिगो स्पूनी मार्केट।